हेलो दोस्तों, ट्रिकी कोचिंग क्लास 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी में देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में उसका एक भाग जो लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरिनिजियम, देखिए लघु बीजाणु माइक्रोस्पोरिनिजियम के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को आपको हम समझाते हुए निकलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसके देखिए लघु बीजाणु जनन की जो डिफिनेशन है वो परिभाषा है वो क्या है हम आपको बता देते हैं। देखिए परिभाषा क्या, पुष्प में पराकणों के निर्माण होना देखिए पुष्प में पराकणों के निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए पुष्प में पराकणों के निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन था। जैसे आप देखिए क्या देखते हैं, पुमंग को देखते हैं ना। देखिए पुमंग आपका कैसे होता है आप देखेंगे तो आपको देखिए आ जाएगा। देखिए ये पुमंग, देखिए इस तरह आप एकदम जो पुमंग आपका जो बनता है ठीक है। देखिए बीच में ये संयोजी है, इसको क्या बोलते हैं योजी, योजी इसको जो योजी है ऊपर देखिए ये नीचे को भाग आप जानते हैं ये पुंकेसर होता है फिलामेंट। ये क्या होता है? पुंकेसर। देखिए आपको दिखाई दे रहा नहीं है? नहीं दे रहा है तो नीचे कर दे ओके देखिए नीचे वाले भाग क्या करते हैं पुंकेसर, या इसको आप इंग्लिश में लिखना तो फिलामेंट लिख लीजिए फिलामेंट। अगर इंग्लिश में ज्यादा ज्यादा जानेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फिलामेंट है, देखिए आपका ये क्या है एंथर है एंथर ओके। देखिए आपको एक पॉइंट क्लियर करते रहिए ठीक है दोस्तों। ये एंथर है, एंथर को हिंदी में कहते हैं पराकोश। क्या कहते हैं? पराकोश कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस योजी में जो योजी इसके अंदर जो होता है दाएं दाएं नुमा होता है इसी को देखिए इसी को क्या कहते हैं? देखिए इसी के जो अंदर अंदर होता है इसको क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन ओके। पोलन ग्रेन को ही क्या कहते हैं? पराकण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराकण कहते हैं। आप लोग फूल की जो अनुप्रस्थ काल देखेंगे तो उसमें आपको जरूर मिलेगा ओके। देखिए जो ये वाला भाग थोड़ा जो ये तो टेढ़ा हो गया इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा एकदम पतला होना चाहिए ओके। देखिए इस तरह का अब इस अनुप्रस्थ काट को, अब इस अनुप्रस्थ काट को अगर आप काट के देखते हैं ठीक है, आप इसको काट के देखते हैं किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तो ये किस तरह दिखाई देता है वो हम आपको दिखाते हैं ओके। चलिए इसको मिटा रहे। देखिए मैंने अनुप्रस्थ काट को काटेंगे तो देखिए इस तरह आपको दिखाई देगा। ये देखिए दो भागों दिखाई देगा देखिए ऐसे ऐसे तो कटेगा ही है लेकिन थोड़ा सा नीचे देखिए गोला गोला टाइप का रहेगा, इस तरह रहेगा ओके। तो जब काटने जब काटेंगे तो देखिए इस तरह हो जाएगा, नहीं तो आप देखिए इसको खाली ऐसे ही कर दीजिए ऐसे हो जाएगा। और फिर इसके नीचे देखेंगे तो देखिए इस तरह आपको दिखाई देगा ठीक। देखिए यहाँ यहाँ पर ये पॉलन सैक दिखाई देगा आपको गोला गोला। देखिए पॉलन सैक, ये जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ग्रेन की ढेर सारी आपको दिखाई देगी। पॉलन ग्रेन की जो ढेर सारी चीजें रहेंगी इसको पॉलन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। पॉलन सैक समझते हैं जहाँ ढेर सारे उसके प्राक, देखिए जहाँ ढेर सारे प्राकण होते हैं उसी को पॉलन सैक कहते हैं। देखिए यहाँ भी दिखाई देगा आपको ढेर सारी ऐसे ओके। ऐसे इसका चार समूह दिखाई देगा, ऐसे देखिए नीचे भी है आपको ऐसे नीचे भी है आपको दिखाई देगा ओके। देखिए अभी इसका हम आपको बुक में भी दिखाई दे देते हैं। देखिए इसे दो भाग में थी रहेगा ऐसे इसका भी देखिए दो भाग में रहेगा। ये देखिए इसके अनुप्रस्थ काट देखिए ये है आप देखिए ये आपका इस तरह रहेगा ओके। देखिए इस तरह रहेगा, देखिए इसे मिला के ऐसे मिला दिया जाएगा। देखिए आपको नीचे तक दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा? चलिए आपको नीचे थोड़ा कर देते हैं देखिए दिखाई दे रहा। चलिए देखिए पॉलिश सर, देखिए ये भी ऐसे ऐसे मिला रहेगा ऐसे ऐसे मिला रहेगा। तो देखिए जो ये पॉलिश सैक है जिसे जो ये है इसका देखिए जब एक एक भाग निकलता है यही आपका क्या पॉलन सहायक कहलाता है। पॉलन समझते हैं जो पराकण जो होते हैं निकलते हैं वही पॉलन सहायक कहलाता है ओके। अब इसको देखिए जो पॉलन सहायक आप बता रहे हैं पॉलन सहायक, देखिए पॉलन सहायक इसको बोलते हैं किसको? एक पराग
पर देखिए इसका एक दाने को पराकण कहते हैं, ठीक है, पराकण के सभी दानों के समूह को पॉलीसैकेराइड कहते हैं, ध्यान से दीजिएगा। देखिए नहीं आ रहा, फिर मैं बता, जैसे आप दलपुंज को जानते हैं, देखिए दलपुंज पंखुड़ियों के पंखुड़ियों के सभी समूह को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, और दलपुंज के एक पीटर्स जो पीटर्स से पत्ती होती है, पंखुड़ी जो होती है, यानी दलपुंज के एक एक भाग को क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। उसी तरह जो पराकण है, देखिए पॉलिन है, पॉलिन ये पराकणों के समूह को, देखिए पराकणों के समूह को पॉलिन कहते हैं, और पॉलिन के एक भाग यानी एक दाने को पराकण कहते हैं। ध्यान से सुन, जब समझेंगे तभी आपको आएगा कि लिख दें आपको, नहीं सर ऐसा तो आप समझ जाएंगे, लेक्चर नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ में आपको आएगा। ओके, अब इस भाग को जो ये अलग भाग है आपको आपको हम बुक में भी दिखा देते हैं। देखिए इसके कई भाग हैं, चलिए इसको मिटा के हम दिखाते हैं कैसे कैसे आपको ये दिखा हुआ है। ओके, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस भाग को जो काली जो पॉलिन सैक है, पॉलिन सैक को जब सूक्ष्मदर्शी से काट के देखा गया तो देखिए किस तरह दिखाई देता है, ये हम आपको बता, इसको देखो और बड़ा करके आपको, यही चीज को आपको बड़ा करके देखिए हम लोग आपको दिखाई देंगे। देखिए जैसे कैसे बना है, आप लोग मेरे साथ बनाते रहेंगे तभी देखो समझ में आएगा, अदरवाइज अदरवाइज आपको नहीं बना, आप बना नहीं पाएंगे। देखिए ठीक है, इसे देखिए इसमें चार प्रकोष्ठ होते हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं कि चार, देखिए चार से रहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जैसे पॉलिन सैक है, एक तो देखिए यहाँ होगा एकदम ऐसे ऐसे आपको देखिए होगा एकदम पूरे ही है। ओके, एक देखिए यहाँ होगा, देखिए चार होना चाहिए, देखिए एक यहाँ होगा, देखिए भी बना भी देते हैं आपको बुक में भी दिखा देते हैं। देखिए एक यहाँ होगा रिंग, एकदम रिंग में बनाइएगा, एकदम रिंग में, जैसे देखिए रिंग में, ये तो मेरा रिंग कहीं बना दिए आपको ताकि एकदम रिंग में रहे ये पॉलिन सैक, एकदम रिंग में एकदम चार 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 आपको एक यहाँ पकड़ाना चाहिए। सुरक्षा के लिए जो होते हैं ऐसे ऐसे आप लगा लीजिएगा, ऐसे ऐसे अभी बुक में भी दिखा देते हैं, ऐसे बना लीजिए। देखिए बीच में एक केंद्रक होता है, देखिए केंद्रक इसका होता है, ठीक है, ये पॉलिन सैक एक केंद्रक होता है। ओके, अब इसके देखिए जो जो भाग है जैसे पॉलिन सैक है ये क्या है, ये हम आपको बुक से भी दिखा देते हैं, ऐसे भी देखिए आपको पहले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सभी लोग बताइए, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए आपको ऊपर कर देते हैं। देखिए अब दिखाई दिया, चलिए ठीक है, देख लीजिए आप लोग सब लोग। ओके, देखिए पॉलिन जो सैक है जो ये है इसमें देखिए ये जो बना हुआ भाग है इस तरह देखेंगे तो कई तरह, जैसे इसमें देखिए इस तरह बना हुआ है एकदम, देखिए इस तरह से भाग में एक लेयर है, इसकी जो ऊपर की परत होती है कठोर होती है, क्यों कठोर होती है, ताकि जो बीजों की ऊपर से जो कठोर होती जो नहीं है कहते हैं जो एपिडर्मल फल भित्ति के जो भाग होते हैं इसकी ये सुरक्षा करता है, इसको पालेंगे कि बीज को कीड़ा मकोड़ा ना खा सके, ठीक है। फिर इसके अंदर भी देखिए एक लेयर जैसे इस तरह होती है, जैसे गोले में ये गोले बना होता है, फिर देखिए इस तरह से बना होता है, फिर इसके ऊपर ताकि बीज बहुत जैसे क्या होता है, जैसे आम का बीज उसके भी खाएं, देखिए ना आम का बीज देखिए किसके अंदर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ओके, कई भागों से तो जो ई वाला भाग आपका होता है आपका ये क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। देख क्या लिखेंगे अभी हम आपको, पहले इस चित्र बनाना ऐसे सीख जाइए तो उसके बाद हम आपको बुक से भी दिखा देते हैं, आपको क्या लिखना है पेपर में वो भी हम बता देते हैं सभी को। देखिए जैसे ये बन रहा है इसको भी बनाना है, देखिए सार कर में आपको दिखा दे रहे हैं। ओके, कि नहीं, चलिए हम आपको बुक से भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों जो चित्र को हमने आपको बनाया कभी दिखाया, देखिए ये चित्र हमने बनाया आपको दिखाया है, अगर आपको मेरा चित्र न समझ में आए तो देखिए इसी को देख कर आप बना लीजिएगा। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत आपको सही बना क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आपको ख़राब ना होने पाए, देखिए थोड़ा जल्दी करिए फटाफट। ओके, आप समझ गए ना।
चलिए देखिए, अब दोस्तों देखिए जो चित्र को हम बनाए का आपको देखिए दिखा रहे थे, देखिए इसी चित्र को बनाए का आपको दिखा रहे थे, देखिए इसी तरह बना हुआ है। अगर आपको मेरा चित्र ना समझ में आए तो बुक से समझ के देखिए, बुक में से जो हम लोग देख के बना रहे थे आपको सिखा रहे थे भी है, ताकि आपको आपको किसी तरह कन्फ्यूजन ना होने पाए। आपको मैटर दे देखिए, चित्र पर ही आपको नंबर मिलेगा, चित्र आपका सही हो जाए उसके बाद देखिए आपको लिखना सिखाते हैं तब। अगर आपको मेरी लैंग्वेज अच्छी लगे, सब कुछ अच्छी लगी, तभी आप लिखिएगा, ना था नहीं कोई बात ही नहीं। तो कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, आप देख लीजिए पहले, आप समझेंगे तभी आएगा। देखिए इसमें बताया ना कि ऊपर वाला जो भाग, देखिए हमने आपको जो बताया था एपिडर्मिस होता है प्राइमरी, देखिए पेरियल सेल होता है प्राइमरी, देखिए स्पॉन्टेनियस, इसीलिए मैं हम लोग क्या लिखे हैं आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सब समझ में आ गया ना आपको, देखिए है ना पूरी लेयर, आप अच्छी तरह देख लीजिए एकदम पूरा। आपको ये देखिए चित्र आपको बनाना है पूरा आपको, ओके नहीं देख लीजिए आप ध्यान से, तो हम आपको लिखवा दें आपको जल्दी से हो जाए। देखिए नीचे भी चित्र है, देखिए आपको पूरी एक में कह दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए थोड़ा अलग अलग कह दें आपको थोड़ा से आसान हो जाए देखने में। देखिए पराग कोष के विभिन्न अवस्थाएं है ना, देखिए अनुप्रस्थ काज, देखिए इसी चीज़ को काट कर और सूक्ष्म दर्शी, देखिए एपिडेमिक ऊपर वाला भाग, इंडोसियम है, मिडिल लेयर है, टेप्टीरियम है, देखिए है ना एकदम पूरा, तो जितने भी भाग हैं वो सब आपको बताए जा रहे हैं सब पूरे क्लियर। चलिए हो गया, चलिए देख लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों उसके एक भाग को और काट के देखिए इस तरह देखा गया है, देखिए जो पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन, एपिडर्मिक, वैस्कुलर बंडल, देखिए इंडोथर्मिक, देखिए देख रहे हैं एकदम ध्यान से देखिए, देखिए इस तरह काट काट के एक एक भाग को देखा गया, तो आपको भी दिखा दे रहे हैं आप, प्लस आपको भी नॉलेज हो जाए। पहले आप देख लीजिए फिर लिखना हम आपको सिखा देते हैं, लिखना बहुत आसान है। अगर ये आपको आ गया तो देखिए पराग कोष के अनुप्रस्थ काट, देखिए नीचे लिखा ना पराग कोष, देखिए परिपक्व, परिपक्व देखिए पराग कोष के अनुप्रस्थ काट है, देखिए ठीक है। चलिए ठीक है, और इसका देखिए एक बार मदर सेल में भी आइए थोड़ा सा, मदर सेल दिखाते हैं, देखिए देखिए कैसे कैसे ये हो रहा है, माइक्रोस्पोर द्वारा मदर सेल, देखो माइक्रोस्पोर है ना, देखिए माइक्रोस्पोर से मदर सेल, देखिए सक्सेसिव टाइप, इसमें डीएस टाइप, देखिए है ना इस तरह, देखिए देखते आप आएंगे, देखिए देखिए बीजाणु, देखिए क्या सूक्ष्मदर्शी द्वारा बात करता हूँ सूक्ष्म बीजाणु के विकास की विभिन्न अवस्थाएं, देखिए विभिन्न अवस्थाएं किस तरह होती हैं, किस तरह इनमें परिपक्वता आती है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चित्र देख लीजिए, चतुष्फल की जो चार कोष्ठकों द्वारा होता है उसको भी थोड़ा देख लीजिए, बस अब आपको भी लिखना सीखना, बस चित्र इतना ही था लग बीजाणु धानी का, इसके बाद आपको लिखना। हो गया, देखिए लघु बीजाणु धानी जो है, देखिए ऊपर अब हेडिंग रहेगी लघु बीजाणु धानी, देखिए लघु बीजाणु जो ये हम पॉइंट पॉइंट लिखा रहे हैं आप इसको एक में मिला दीजिए, लेकिन देखिए समझने के लिए हम ऐसा आपको बनाए बना रहे हैं ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए जैसे पॉइंट नंबर एक में देखिए हम क्या बता रहे हैं, पॉइंट नंबर टू में क्या बता रहे हैं, आप एक एक चित्र इतने हैं कि सभी चित्र का थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको, आपको क्लियर करने। देखिए पॉइंट नंबर एक में आवृत बीजी पौधों के पुष्प में पुंकेसर नर जननांग है, देखिए आपको मालूम है आवृत बीजी पौधों के जो पुष्प में पुंकेसर आपको मालूम है कि नर जननांग है, ये तो हम पहले बताएं कि जैसे पुमंग के देखिए तीन भाग है ना, पुमंग पुमंग में क्या होता है पुरुष पास है, देखिए पुरुष पास है पुमंग, तो इसके देखिए इसमें ये क्या पुंकेसर पौधों के पुष्प में पुंकेसर जो नर जननांग है, देखिए प्रत्येक पुंकेसर के तीन भाग द्वारा बना है, किसके भाग द्वारा, तीन भाग द्वारा देखिए बना है, तीन भागों द्वारा बना है। देखिए नंबर एक देखिए पराग कोष है, देखिए यहाँ देखिए हम लिखे ना नंबर एक पराग कोष, नंबर दो की योजी, पराग कोष को एंथर कहते हैं, योजी को कनेक्टिव कहते हैं, पं पं देखिए पुतंतु है फिलामेंट, फिलामेंट फिलामेंट पुंकेसर भी कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं, ये बुक की लैंग्वेज हमने लिख दिया है। देखिए इसीलिए देखिए हम आपको अच्छा नोट बनाने का प्रयास में देखिए सही लैंग्वेज दे रहे ताकि आपको अच्छा आ जाए। देखिए पुंकेसर के पराग कणों में देखिए करें ना
कि पुनकेसर के पराकोष में लग बीजाणु बनते हैं। देखिए बता रहे पुनकेसर के पराकोष में, हमने आपको बताया कि जो पराकोष में लग बीजाणु बनते हैं यही लग बीजाणु को क्या कहते हैं, पराकण कहते हैं। आप पहले इसे लिख लीजिए तो हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आपको नहीं आता है ठीक है, देखिए हो गया आपको आगे ना। देखिए मैंने चित्र में दिखाया था कि देखिए ये जो आपका, देखिए जो कि आपकी मतलब इसमें एंथर है, कनेक्टिव है, देखिए आपको बताया ना फिलामेंट, इसी के देखिए बारे में वर्णन किए हैं। देखिए जो इसी में जो क्या बनता है, जो आपका पराकण बनते हैं, इसी को लग बीजाणुधानी कहते हैं। अब इसकी देखिए कि यदि इसको काट कर देखा जाए, क्या किया जाए, देखिए ध्यान जानेंगे तभी जाए। यदि इसे काटा जाए किसको, जो ये जो हम आपको बताएं जो किसको पुनकेसर को यदि काट कर देखा जाए तो वो किस तरह दिखाई देगा आपको, देखिए मैंने बताया ना, देखिए चित्र में देखो आपको दिखाए थे इस तरह काट देगा। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट को हम आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा सा लिख के दिखाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे बोल देंगे नहीं समझ में। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमने आपको देखिए आपको बताया लग धनुष लेके यहाँ तक बताया थे। अब देखिए पॉइंट, देखिए इसका दूसरा पॉइंट आपको बता दें, यदि इसे काटा जाए, देखिए हमने बताया था यदि इसे काटा जाए तो पराकोष की दो लाइनें दिखाई देती हैं। आपको भी देखिए चित्र में दिखाए थे ना कि पराकोष की दो लाइनें दिखाई देती हैं। अब पराकोष की प्रयास लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको समझा देते हैं। पराकोष के अनुपस्थ काल में प्रायः दो पालियाँ होती हैं, प्रत्येक पराकोष के पाल में दो प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए जो प्रकोष्ठ को थैली बोलते हैं, थैली में ही जो क्या होता है पूरा जो पराकण ही होते हैं, तो क्या होते हैं प्रकोष्ठ होते हैं। और देखिए पॉइंट नंबर चार हो गया, देखिए प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं, इन्हें पराकफुट भी कहते हैं। अब पॉइंट नंबर पाँच देखिए, इस प्रकार प्रत्येक प्राकोष में चार लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। देखिए हमने पॉइंट टू पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट आसानी से याद हो जाएगा, एक पॉइंट आपको क्लियर भी हो जाएगा। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो पॉइंट नहीं लगाएंगे, सब एक में मिला के लिखेंगे, ठीक है, सबको मिला के लिखेंगे तब आपको अच्छा नंबर मिलता है। लिखने चित्र बनाने के बाद जब लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलता। लैंग्वेज अच्छी करने के लिए हम आपको देखिए लिख गए, देखिए बुक से हमने नहीं किया, बुक में देखिए उतना अच्छा लैंग्वेज नहीं था इसलिए हमने देखो इसे किया। पॉइंट नंबर पाँच, इस प्रकार प्रत्येक प्राकोष में चार लाखों बीजाणुधानियाँ होती हैं। पॉइंट नंबर छः, इन चारों को जोड़ने वाले बीच में योजी होता है, बीच में योजी होता है। प्रत्येक लग बीजाणुधान में कई लग बीजाणु जनक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। सातवां पॉइंट, प्रत्येक लग बीजाणु कोशिका अर्धशूत्री विभाजन द्वारा लग बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। प्रत्येक देखिए आठवां पॉइंट, लग बीजाणु जनक कोशिकाएं चारों ओर देख रहे हैं, चारों ओर क्या होता है पोषक कोशिकाओं का कष्ट। पोषक क्यों होता है, क्योंकि बीजों को देखो सब पोषक देते हैं, अन्यथा बीज अंदर ही मर जाएंगे, पक्के बीज नहीं बनेंगे। एक कष्ट होता है जिसे टेप्टियम कहते हैं, अभी दिखाएंगे टेप्टियम कहाँ है, टेप्टियम कहते हैं। पर देखिए नवा, टेप्टियम के बाहर कुछ बीजाणु के बीजाणुधान की ओर बीजाणुधान की दीवारें होती है। दीवारें हमने बताया था ना, जो दीवारें होती हैं वही क्या करती है कि बीज की रक्षा करती हैं, जो कोशिकाओं के कई स्तर की बनी होती हैं। हमने आपसे बताया था ना कि फल वृत्ति के जैसे तीन भाग होते हैं, मध्य भाग, हाँ जैसे बताया ना, बस उसी तरह समझ लीजिए एकदम स्तर की बनी होती है। नंबर पॉइंट नंबर दस, ब्रा स्तर को क्या एपिडर्मिस और इसके ठीक नीचे को एंडोथीसियम कहते हैं, क्या कहते हैं एंडोथीसियम कहते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं पूरा, ओके चलिए मेरी बैटरी देखिए लो हो गई, आपको देखिए आ रहा है नहीं, देखिए हम आपको एक ही दिखा दे रहे हैं, ओके चलिए देखिए ठीक दिखाई दे रहा सबको, देखिए कहाँ की परछाई आ रही इसमें, चलिए आपको दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है अच्छी बात है, ठीक। देखिए दसों पॉइंट आपको दिखाई ना दिखा, फिर से देखिए आपको शुरू दिखा देते हैं, चलिए आपको अच्छे से नोट बना लीजिए। अब आपको कुछ चित्र दिखाते हैं फिर एकदम, देखिए अब देखिए दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए ये मिडिल लेयर है, एंडोथर्मिस है, देखो एंडोथर्मिस बताया था, एपिडेमिस है, देखिए मैंने बताया था ना, देखिए ये टेप्टियम है, देखिए इसके चारों कई लेयर बनी हुई है, देखिए पॉलिस है की जो रक्षा करते हैं, देखिए इसमें भी देखो इसी जो अनुप्रस्थ काल को देखिए करके दिखाया गया है, देखिए इसी पूरा, ओके
चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमको ये बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो कोई अच्छी बात नहीं, कोई बात ही नहीं।